आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बड़ा ईजी है, क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। दो तरह के नंबर होते हैं हमारे पास, एक प्राइम और एक कंपोजिट। प्राइम नंबर्स वो जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से बताए थे मैंने, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। तो चेक करते हैं कि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है। सोल्यूशन, अगर हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13 क्या हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 13, यहाँ पे बचा 7 × 11, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 13 × 77 + 1 = 78। इस नंबर के एक तो होगा ही होगा, 13 भी हो गया 78 भी हो गया, सो 7 × 11 × 13 + 13 हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या बन गया हमारा, ये एक कंपोजिट नंबर बन गया। इसके बाद ये देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है, इसमें क्या कॉमन लें, हम 5 कॉमन लें, 5 कॉमन लेने से हमारे पास 7 × 6 × 5 हमने कॉमन ले लिया, 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है। अब ये कुछ भी आए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और एक 1 हो गया, यहाँ पे आप वैल्यू ना भी सोल्व करें तो हमारे पास एक ये और एक 1 हो गया। सो इसमें भी हम ये लिख सकते हैं कि 7 × 6 × 5 × आप इसको सोल्व भी कर लेना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, × 3 × 2 × 1 + 5 हैव मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हमें तो इनसे पता चल गया था, एक ये हो गया, एक पूरा ये हो गया, जो भी कैलकुलेशन आएगी एक 1 हो गया, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।